ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ VCD 3784, मॉर्निंग क्लास डेटेड 14 दिसंबर 1968, क्लैरिफाइड ऑन 4 नवंबर 2021। रात क्लास चल रहा था 14 दिसंबर 1968। The morning class dated 14th December 1968 was in progress. शनिवार को छठी पेज के मध्यान्ह जो बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में आंखें बंद करके बैठते हैं। On Saturday, the topic we were discussing in the end of the middle part of the 6th page was They sit with their eyes closed in the path of bhakti. बहुत हैं जो आंखें बंद करके देखते हैं। There are many who see with their eyes closed. वो जो होते हैं वो भी आंखें बंद करके सुनते हैं। जिज्ञासु। The students also listen with their eyes closed. ऐसे बैठ करके सुनते हैं। They listen sitting like this. पर कभी तुम देखा है कोई पढ़ता हो तो टीचर को ना देखे? बट हैव यू एवर सीन एनीवन हु डजंट लुक एट द टीचर व्हाइल स्टडिंग? ऐसे आंख बंद करके बैठे देखे? हैव यू सीन एनीवन सिटिंग विद देयर क्लोज्ड आईज? तो बाबा कहते हैं बाप नहीं है, ये तो टीचर है ना। और उनके सामने है बाप भी टीचर भी। सो बाबा सेज नॉट द फादर, ही इज द टीचर, इजंट ही? एंड देयर इज द फादर एज वेल एज द टीचर इन फ्रंट ऑफ देम। तो देखना तो सामने होता है ना। सो यू शुड लुक इन द फ्रंट, शुडंट यू? कभी सुना है कोई स्कूल में ऐसे बैठे आंखें बंद करके और बैठे बैठे कोई पिनकी भी खावे? हैव यू एवर हर्ड ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग विद देयर आईज क्लोज्ड इन एनी स्कूल एंड सम इवन डोजिंग ऑफ व्हाइल सिटिंग? ऐसे कभी होता नहीं है, नहीं। That never happens, no. वो तो स्टूडेंट टीचर को देखता रहेगा। The student will keep looking at the teacher. अगर ऐसा बैठे करके हुआ, If he sits like this, ऐसे करके बैठ करके सुनेगा ही नहीं। He won't listen sitting like this at all. और टीचर क्या समझेगा? And what will the teacher think? टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाते। The teacher will say he dozes off. या तो भांग भांग पी के आया है। Or he has drunk bhang, etc. and come. Bhang means a narcotic drink made from hemp leaves. कोई कुछ करके आए हैं। He has come after doing something. क्योंकि स्कूल है ना, ये बाबा यहाँ बैठे हैं तो स्कूल है ना। It is because it is a school, isn't it? This baba is sitting here, so this is a school, isn't it? और तुमको तो बोल दिया है कि उठते बैठते चलते तुमको जो ज्ञान मिलता है और याद करना है। एंड यू आर टोल्ड वाइल स्टैंडिंग सिटिंग वॉकिंग द नॉलेज दैट यू रिसीव एंड यू शुड रिमेम्बर। अगर सब देखते हो तभी भी ये सामने देखेंगे ना। इवन इफ यू सी एवरीथिंग Even then, you will look in the front.
वोंट यू? और ये तो बुद्धि में बैठ गया है, आत्मा की बुद्धि में बैठा। मोरोवर, दिस हैज सेट इन द इंटेलेक्ट, इट हैज सेट इन द इंटेलेक्ट ऑफ द सोल। कि बाबा इस तन में है और मैं बाबा को देखता हूं, बाबा इज इन दिस बॉडी एंड आई लुक एट बाबा। तो जब भी बाप बैठ करके समझाते हैं सो व्हेन द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स, तब ये ला नहीं कहता है कि कोई आंखें बंद करके ऐसे बैठे। द लॉ डजंट से दैट यू शुड सिट विथ योर आईज क्लोज्ड। क्योंकि फिर भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि भाई मैंने क्या समझाया। इट इज बिकॉज ही कैन आस्क क्वेश्चन, कांट ही? व्हाट डिड आई एक्सप्लेन? 14/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। 7th page of the morning class dated 14/12/1968. 3री लाइन। थर्ड लाइन, तो फिर भी तो ऊपर देख करके जवाब देगा या फिर ऐसे ही जवाब देंगे। देन द स्टूडेंट विल लुक अप एंड आंसर, और ही विल आंसर जस्ट लाइक दैट। तो यहां इसी ईश्वरीय स्कूल में भी कभी कोई बच्चा आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये तो बेहद का स्कूल है। सो हियर इन दिस ईश्वरीय स्कूल टू, नो चाइल्ड कैन एवर सिट विथ हिज आईज क्लोज्ड बिकॉज इट इज एन अनलिमिटेड स्कूल। और स्कूल वहां भी ऐसे नहीं होते हैं। दिस डजेंट हैपन इवन इन द अदर स्कूल्स। और जो भी सत्संग हैं इतने ढेर, उन्हों को कोई स्कूल नहीं कहेंगे। ऑल द ग्रेट नंबर ऑफ स्पिरिचुअल गैदरिंग्स वोंट बी कॉल्ड स्कूल्स। भले गीता सुनाते हैं परंतु स्कूल तो नहीं कहते हैं। ऑल दो दे नरेट द गीता, दे आरंट कॉल्ड स्कूल्स। वो तो सुने जो ऐसे बैठ करके सुनते हैं। दोज हू लिसन सिटिंग दिस वे डू लिसन, तो फिर देखेंगे किसको? और बट हु विल दे लुक एट? वो कोई बाप थोड़ी है जिसको देखें तो पाप कटेंगे। एंड ही द वर्ल्डली टीचर इज इन द फादर दैट इफ दे लुक एट हिम देयर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड, वो तो फिर भी वहां बैठेंगे। दे विल स्टिल सिट देयर। अगर कुछ शिव बाबा को याद करना, ऐसे भगत होते हैं शिव के, देर आर सच डिवोटीज ऑफ शिव हु रिमेम्बर शिव बाबा। और ये ऐसे बैठ करके फिर भी याद शिव की होगी और बैठ करके कान से सुनते होंगे यही कथा है। दे विल स्टिल सिट लाइक दिस एंड रिमेम्बर शिव एंड दे वुड बी लिसनिंग टू द स्टोरीज थ्रू देयर ईयर्स। क्योंकि जो शिव का पुजारी होगा ना, शिव का भगत होगा ना, तो उसको तो शिव को याद करना पड़े ना। इट इज बिकॉज द वर्शिपर ऑफ शिव, द डिवोटी ऑफ शिव हैज टू रिमेम्बर शिव, डजंट ही? पीछे शिव की याद में बैठे और वो बैठ करके सुना दे तो भले ऐसे भी बैठ करके सुनाए। ही मे सिट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ शिव एंड ही मे सिट एंड नरेट, ही मे ऑल्सो सिट एंड नरेट लाइक दैट। क्योंकि वहां भक्ति मार्ग में प्रश्नोत्तर तो होता ही नहीं है। बिकॉज देर इजेंट एनी डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स देर इन द पाथ ऑफ भक्ति एट ऑल। अरे कोई भी सत्संग में प्रश्नोत्तर होते ही नहीं है। अरे देर इजेंट एनी डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स इन एनी स्पिरिचुअल गैदरिंग एट ऑल। और तुम बच्चे तो जानते हो कि यहां शूटिंग पीरियड में
जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है उनमें भी प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं। एंड यू चिल्ड्रेन डोंट नो देयर इजंट एनी डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स इवन इन द ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हियर इन द शूटिंग पीरियड। और यहां तो देखो प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं। एंड लुक हियर देयर कैन ऑल्सो बी अ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कांट देयर। तो यहां कभी भी और जब पढ़ाई के वो पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई में जो कुछ आमदनी तो होती नहीं है। सो हियर एनी टाइम एंड व्हेन दे स्टडी देयर इजंट एनी इनकम इन दैट स्टडी। और ये भगत तो बहुत ही उबासियां वगैरह देते हैं। दिस डिवोटीज यॉन अ लॉट। और यहां तो निशानी है कि कभी भी कोई उबासी नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहां आमदनी तो बहुत है। एंड द इंडिकेशन ऑफ दिस प्लेस इज दैट नो वन कैन एवर यॉन हियर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इनकम हियर। तो आमदनी वाले तुम देखो उसको सौदा मिलता रहे और धंधा आता रहे, दलाल मिल करके हाथ मिलाती रहे, भाई देखो कितनी खुशी। सो लुक एट द वन हु अर्न्स, ही कंटिन्यूज टू गेट अ डील एंड अर्न्स अ प्रॉफिट। द डीलर्स शेक हैंड्स, लुक हाउ हैप्पी दे आर। अब ऐसे ही थोड़े ही हाथ मिल जाते। वेल दे डोंट सिंपली शेक देयर हैंड्स। आओ आओ ऐसे करते रहेंगे। दे विल कीप सेइंग कम कम। क्योंकि धन होते हैं ना तो खुशी होती है। इट इज बिकॉज व्हेन दे हैव वेल्थ दे फील हैप्पी। और उबासी होती है तो वो तो गमगीन की निशानी। एंड योर्निंग इज द साइन ऑफ फीलिंग सैड। गम की निशानी है। इट इज द साइन ऑफ सोरो। हाँ ऐसे भी होता है कि कोई ने दिवाला निकाला होगा, बीमार होगा, नुकसान हुआ होगा, या घर में झंझट है, झगड़ा खड़ा हुआ होगा। ऐसी इन सब बातों में फिर उबासियां बहुत आती हैं। यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इफ समवन हैज गॉन बैंकरप्ट, इफ ही इज इल, इफ ही हैज सफर्ड अ लॉस or there is some fight and quarrel at home, they feel like yawning a lot in such cases. बाकी पैसा तो मिलते रहते हैं। As for the rest, they do keep earning money. क्योंकि बाबा तो फिर भी तो दुकानदार व्यापारी है ना बच्चे। It is because, child, Baba is however a shopkeeper, a merchant, isn't he? तो रात रात में जागते थे। So he used to stay awake at night. और जब भी कोई रात में स्टीमर्स आते थे, धंधा के लिए खुल जाता था। And whenever steamers came at night, he used to open the shop for business. ऐसे होते हैं ना बच्चे। डॉटर्स इट हैपेंस लाइक दैट इजंट इट। कभी कोई बड़ा आदमी होवे, इफ देयर इज सम बिग पर्सन, तो बकाया खुल जाती है। ही यूजुअली ओपन्स इट। और वहां रात को बेंगे में आती हैं। एंड द बेगम्स कम देयर एट नाइट। तो रात को हम वो जो होती हैं मैम साहब वो सब अंदर घुसती है। सो ऑल द लेडीज कम इन एट नाइट। तो सिर्फ फीमेल रहती है अंदर। ओनली द फीमेल स्टे इनसाइड।
बाबा नहीं कहते हैं कि तुम जब भी फीमेल आवे, क्योंकि बाबा डजन से व्हेन यू फीमेल्स कम बहुत पर्दे नशीन होती है ना। बिकॉज दे आर केप्ट इन अ पर्दा दैट इज वेल aren't they? तभी एक दिन हमेशा फीमेल डे, वन डे इज ऑलवेज रिजर्व एज द फीमेल डे. समझा? यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू? तो फीमेल डे में बड़ी खुशी से आएगी और पर्दा नशीन भी आएगी। सो दे विल सर्टनली कम वेरी हैप्पीली ऑन फीमेल डे. इवन दोज हु आर केप्ट इन पर्दा विल कम. और बड़ी अच्छी अच्छी निकल करके आएंगी। एंड वेरी गुड वंस विल कम. नहीं तो बहुत नहीं निकलती हैं बाहर में, अदरवाइज नॉट मैनी कम आउट. और अगर वो निकलती भी है तो मोटर में और पर्दे लगे रहते हैं। इवन इफ दे कम आउट दे ट्रेवल इन कार्स विथ कर्टन्स. देखा है कभी हैव यू एवर सीन इट देयर? वहां? बहुत तो बाहर वाले भी आते हैं, मैनी आउटसाइडर्स ऑल्सो कम. तो वो जो पर्दा है वो नहीं उतारती है। सो दे द फीमेल्स डोंट टेक ऑफ द पर्दा. तो अंदर रहती हैं, दे स्टे इनसाइड. बहू जिया जो आती हैं तो वो देखो मोटर में आती हैं, तो पर्दा लगा के आती हैं। लुक द बहुजिया दैट इज वाइफ और डॉटर इन लॉ ऑफ द रिच कम इन कार दे पुट अ पर्दा एंड कम. समझे ना? यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू? बाबा बताते हैं ना, बाबा सेज डजंट ही? बहू जिया वहां दुकान में आती थी, बहुजिया यूज टू कम टू द शॉप. जवाहर बाहर तो उनको चाहिए उन लोगों को। दे डू वॉन्ट ज्वेल्स प्रेशियस स्टोन्स एटसेट्रा. तो बच्चा होगा ना तो भी उनको अलाउ करेंगे। इवन इफ इट इज अ चाइल्ड ही विल बी अलाउड. और वो कोई फिर पर्दा भी निकालेंगे, सम विल ऑल्सो टेक ऑफ देयर पर्दा. दिखलाएंगे, बात करेंगे। दे विल शो देमसेल्व्स दे विल टॉक. या बात वो करेंगे दे विल टॉक. तो बाप ने क्या समझाया सो वॉट डिड द फादर एक्सप्लेन? कि भाई यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रदर हियर देयर इज नथिंग लाइक दैट. वहां तो देह का होना रहता है, यहां तो वो कोई बात ही नहीं है, यहां तो आत्मा की बात है। इट इज बिकॉज दे हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी देयर. हियर देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट इज अबाउट द सोल हियर. जो भी यहां आएंगी जिनको मालूम पड़ेगा तो ये ऐसे थोड़े ही कोई पर्दा करके बैठ करके सुनेंगी। इट इज इन दैट ऑल दोज हु कम हियर हु कम टू नो विल सिट इन पर्दा एंड लिसन. और भले कोई पर्दा करके सुने भी एंड इवन इफ समवन सिट्स एंड लिसन्स इन पर्दा तो अभी थोड़ा टाइम सुनेंगी, भाई नहीं है। शी विल लिसन लाइक दैट फॉर सम टाइम एज लॉन्ग एज शी इज न्यू. जब ज्ञान मिल गया पर्दा खुल जाएगा। When she gets the knowledge, she will take off the parda. क्योंकि वहां सत्युग में तो कोई पर्दा वर्दा होता ही नहीं है ना। It is because there is no parda etc. there in the golden age at all, is there? वहां तो देह भान की बात ही नहीं, There is no question of body consciousness there at all. अपन को और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं। यू सी योर सेल्फ एज वेल एज द अदर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सोल. तो वहां पर्दा नहीं होता, नहीं यहां पर्दा सभी खत्म हो जाते हैं। सो देर इज इन पर्दा देर? नो द एंटायर ट्रेडिशन ऑफ पर्दा
एंड्स हियर। और ये सब पर्दे वर्दे खत्म ही हो जाएंगे, जो तुम्हारे पास आएंगे सुनने के लिए। ऑल दिस ट्रेडिशन ऑफ ड्रॉइंग अ पर्दा एटसेट्रा ऑफ दोज हु कम टू लिसन टू यू विल एंड। देखो मारवाड़ी तुम्हारे पास कितने आते हैं, एंड लुक सो मेनी मारवाड़ीज दैट इज बिलोंगिंग टू मारवाड़ अ रीजन इन वेस्टर्न इंडिया कम टू यू। तो फिर आती हैं। दे कम टू यू। तो देखो मुजफ्फरपुर में वहां यहां कोई के आगे मुंह नहीं खोलती है। सो लुक दे डोंट अनवेल देयर फेस इन फ्रंट ऑफ एनी वन हियर और देयर इन मुजफ्फरपुर। फिर आस्ते 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 मुख खुल जाते हैं। देन दे अनवेल देयर फेस ग्रेजुअली। और फीमेल भी बैठे रहते हैं, और वो मेल भी बैठे रहते हैं। फीमेल्स एज वेल एज मेल्स सिट हियर। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। इट इज बिकॉज दिस इज द नॉलेज ऑफ द पाथ ऑफ हाउस होल्ड इजेंट इट। ये कोई निवृत्ति मार्ग का तो ज्ञान नहीं है। इट इज सर्टनली नॉट द नॉलेज ऑफ द पाथ ऑफ रिनन्सिएशन। तो बाप ने समझाया ना बच्चे, सो चाइल्ड द फादर हैज एक्सप्लेन्ड हैजंट ही। ये जो सन्यासी है ना, वो नागिन को कभी उसको देखने के लिए तैयार ही नहीं है। These sannyasis aren't ready to look at the female serpents at all. क्योंकि नागिन नागिन करके भागते हैं ना। It is because they run away from calling them female serpents, that is, nagin. 14 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। 8th page of the morning class dated 14th December 1968. वो तो बाप ने समझाया था ना। The father had explained it, hadn't he? कहते हैं कि ये तो नरक का द्वार है। They say she is the gateway to hell. नारी नरक का द्वार, Woman is the gateway to hell. तो अगर नरक का द्वार है फिर उनको देखेंगे कैसे? So, if they are gateway to hell, how will they look at them? इसलिए तो वो भाग जाते हैं ना बच्चे। Children, this is the reason they run away, isn't it? तो भाग जाते हैं तब जबकि उनको सतोगुण होता है। So they run away when they are sato. और शुरुआत तो इनकी यही है कि देखना ही नहीं है उनको। Their beginning itself was such that they don't have to look at them at all. परंतु बचपन में तो सत्व प्रधान ही रहेगा ना। But they will definitely be satopradhan in their childhood, won't they? भागेगा तब जब बालक बनेगा। They will run away when they have a child. नहीं तो जा नहीं सकते हैं ऐसे। Or else they can't go just like that. परंतु आजकल तो ये नागे वागे लोग कितने बच्चे दे देते हैं ऐसे। But nowadays these Naga give so many children just like that. ये भी पता निकालना चाहिए। You should also find this out. ये नागा लोग जब ये होता है ना कुंभ का मेला, उस समय बच्चे बच्चे बहुत आते हैं, ढेर आते हैं। When there is the fair of Kumbh, many children, numerous children come.
तो उनसे जांच कर सकते हैं सो यू कैन मेक एन इंक्वायरी कि ये छोटे बच्चे कैसे आ जाते हैं। हाउ डू द स्मॉल चिल्ड्रन कम? बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। देर आर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। हाँ, बच्चियां नहीं देखी है बाबा ने। यस, बाबा हैजंट सीन गर्ल्स। बच्चे बहुत देखे। ही हैज सीन मेनी बॉयज। नागा और छोटे बच्चे। ही हैज सीन द नागा एंड द बॉयज। परंतु वो कायदे से रोते। बट दैट इज इन अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो छोटे नागा एकदम बेबिया बेबिया नहीं ले आते हैं। द यंग नागा डोंट ब्रिंग बेबीज। नहीं, नो। इतने छोटे कद वाले देखे हैं बहुत। बाबा हैज सीन मेनी विद सच शॉर्ट हाइट। क्योंकि वो कोई एक चीज एक एक दवाइयां खाते रहते हैं, तो उन दवाइयों को खाने से फिर उनकी वो कर्म इंद्रियां ठंडी हो जाती हैं सब। इट इज बिकॉज दे ईट समथिंग, दे कीप हैविंग सम मेडिसिन्स, सो बाय हैविंग दोस मेडिसिन्स ऑल देयर कर्म इंद्रियां बिकम काम। अब दवाइयां तो ऐसी बहुत होती है ना। एंड देर आर मेनी ऑफ सच मेडिसिन, aren't there? ये खाके ठंडे हो जाते। दे बिकम काम आफ्टर हैविंग देम। अब यार तो तुम बच्चों को कर्म इंद्रियों को योग बल से बस करना है। Now you children have to control the karmendriya through yogbal here. तो जब तुम कर्मेंद्रियों को योगबल से वश में करो, तभी वो जो निशानी है कि ये जो मंथली डिस्चार्ज वगैरह होता है, सो बंद हो जाते हैं। So when you control the karmendriya through yogbal, the monthly discharge etc. will stop. और वहां सतयुग में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, डिस्चार्ज विस्चार्ज। एंड देयर इजंट ऑल दिस डिस्चार्ज एटसेट्रा देयर इन द गोल्डन एज एट ऑल। क्योंकि ये सब तो रावण राज्य में शुरू होता है। इट इज बिकॉज ऑल दिस बिगिंस इन द किंगडम ऑफ रावण। विविचारी राज्य है ना। It is an adulterous kingdom, isn't it? Sab kachar patti. All this is dirt. Ram Raj to koi hai nahi. There isn't Ram Raj at all. Usko Ram Raj ko to bhai kaha hi jata hai Ram ka Raj. Ram Raj is certainly called the kingdom of Ram. Aur phir फ्रंट में है रावण राज्य। एंड द किंगडम ऑफ रावण इज इन फ्रंट ऑफ इट इन ऑपोजिशन। और रावण राज्य में तो देखो कितनी गिटपिट होती है। एंड लुक, देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स इन द किंगडम ऑफ रावण। राम राज्य में एक भी जरा भी बीमारी का नाम निशान। देयर इजंट इवन अ ट्रेस ऑफ इलनेस इन द किंगडम ऑफ राम। ये जो अछूत होते हैं ना। इवन द अनटचेबल्स aren't there इन द गोल्डन एज। वो भी वहां सतयुग में नहीं होते। ये कायदा है। दिस इज द रूल। ये नहीं होते हैं क्योंकि वो भी तो खराब ही है ना। दे aren't there बिकॉज दे आर ऑल्सो डर्टी aren't they? और ये भी तो दुविधा हुई ना कि ये छी छी है। एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट दे आर डर्टी इजंट इट। तो वो उनकी छी छी बातें भी बाहर नहीं होती। नहीं, सो देयर डर्टीनेस डज नॉट एग्जिस्ट देयर ईदर। नो। और
बात तो सभी और ये सभी होगा। एंड देर विल बी ऑल दिस देर। अगर सफाई करने वाले भी तो उनको दास दासियां कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। Even if there are those who do cleaning, they will be called servants and maids, nothing else. तो भी कहते हैं जरूर समझ में आता है जरूर कि दास दासियां तो होंगी। Even then, it is said, it is understood that there will certainly be servants and maids there. और वो दास दासियां क्यों होंगी? And why will there be those servants and maids? उनको उस समय में ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये दास दासियां हैं या हम दास दासियां हैं। At that time, they don't come to know whether these ones are servants and maids, or they themselves are that. अभी हम समझ सकते हैं कि दास दासियां क्यों बनी है वहां। Now we can understand why there are servants and maids there. क्योंकि यहां नापास होती है, फेल हो जाती है, It is because they fail here. तो दास दासियां भी जरूर चाहिए ना नई दुनिया में। So servants and maids are also certainly required in the new world, aren't they? अरे नौकर चाकर ये सब कुछ चाहिए, और चाहिए तो चांडाल भी तो चाहिए ना। अरे ऑल दी सर्वेंट्स एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड एंड चांडाल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड aren't they? जलाने वाला भी तो चाहिएगा ना। सही, Someone is required to burn the corpses as well, isn't it? उठा करके ले जाएगा He will carry away the corpses. भले वो तुम्हारा वहां लकड़ी वकड़ी नहीं होगी जलाने के लिए। Although you won't have wood, etc., to burn there, तो उसमें तो तकलीफ होती है ना। it causes trouble, doesn't it? बस That's it. यही होगा, डालो और फुस हुआ। This is what will happen. You put the corpse there and it will vanish. तो वो बहुत अच्छा है, So that is very good. डालो फुस हुआ और खलास। Put the corpse there and it will vanish and everything will be over. तकलीफ की कोई एक बात भी नहीं, एकदम There is no question of any trouble at all. न खोटी होने की दरकार है। There is no need of any wastage either. बहुत करके न भी आवे, Mostly, even if they don't come, उठा करके ले आवे और हम चले जा भी। they bring it and we go. जूती दे करके हम आत्मा चले जा भी। We souls give away our shoe, that is body, and go. तो भी कोई हर्जा नहीं है। It won't matter. वो आप ही अपने टर्न के बाद वो डाल देंगे और खुश हो जाएगी। They will put it on their own at their turn, and it will vanish. तो तुम्हारे जैसे ज्ञानी हो उनको तो ये बराबर नहीं आएंगे। And if they are knowledgeable like you, their relatives will come. ले करके छोड़ करके, अच्छा They will bring it and leave it there. They will say, अच्छा. इसको जलाए देना। Burn it. अरे यहां भी अगर कोई शमशान वाला हो तो हम लोग को ठहरने की दरकार नहीं रखते हैं। अरे इफ देर इज सम क्रीमेटर हियर वी डोंट नीड टू वेट अच्छा चलो इनको जलाए देना, अच्छा ऑल राइट बर्न इट ये हम पैसा देते हैं, घी देते हैं, वी गिव मनी वी गिव घी चलो हम तो चले जाते हैं। ऑल राइट वी गो
क्योंकि ये भी तो विनाश होगा तो पीछे तो कुछ भी नहीं रहेगा। इट इज बिकॉज व्हेन डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस नथिंग विल बी लेफ्ट। जलाने की भी बात नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं। देर वोंट बी द क्वेश्चन ऑफ बर्निंग एनीवन ईदर, नथिंग एट ऑल। रोने पीटने की, जलाने फलाना करने की कभी कोई बात नहीं। काठी वगैरह लाने की दरकार ही नहीं। देर वोंट बी द नीड ऑफ वीपिंग एंड क्राइंग, ऑफ बर्निंग एटसेट्रा। देर इज नो नीड ऑफ ब्रिंगिंग फायरवुड एटसेट्रा ईदर। ओम शांति। ओम शांति।